भारत का अपमान करना मालदीव को पड़ा भारी। भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी करने पर गई मालदीव के 3 मंत्रियों की कुर्सी। मालदीव पर फूटा भारतीय लोगों का गुस्सा, लोगों ने कैंसिल कराई अपनी ट्रिप्स, कहा हम देश के साथ। एज माई ट्रिप ने बंद की सभी फ्लाइट्स बुकिंग। बॉयकॉट मालदीव से टेंशन में मालदीव, पूर्व मंत्री अहमद महलूफ ने कहा हमारी अर्थव्यवस्था की टूट जाएगी कमर, जिससे उबरना होगा मुश्किल। राम जन्मभूमि आंदोलन को उमा भारती ने किया याद, कहा कोई एक नहीं हकदार, ढांचा गिराने वालों का अहम किरदार। 22 जनवरी को असम में नहीं बिकेगी शराब, असम सरकार ने राम मंदिर उद्घाटन के चलते घोषित किया ड्राई डे। अजीत पवार का चाचा शरद पवार पर तंज, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने कहा कुछ लोग 80 पार करने के बाद भी रिटायर होने के लिए नहीं है तैयार। 2024 के लिए कांग्रेस ने प्लान किया तैयार, 539 लोकसभा सीटों के लिए नियुक्त किए पार्टी ने संयोजक। आरजेडी विधायक अजय यादव का विवादित बयान, कहा अयोध्या में अपने ही लोगों से ब्लास्ट करवा देगी बीजेपी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में जारी रहेगा सर्दी का सितम, अगले 5 दिनों तक राहत की नहीं है उम्मीद, बारिश के भी हैं आसार। और गोरखपुर में सीएम योगी ने मुस्लिम बच्चे का कराया अनुप्राशन, कहा जाति धर्म से परे जनता को मिल रहा योजनाओं का लाभ। तो खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया।